प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज आएंगे। माफिया आतिक अहमद के कब्जे से लूकरगंज में मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए तैयार 76 फ्लैट्स के लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। तत्पश्चात लूकरगंज स्थित मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी इस जमीन पर फ्लैट्स निर्माण के लिए दिसंबर 2021 में भूमि पूजन करने प्रयागराज आए थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण PDA ने 1.5 साल में इन फ्लैटों को तैयार कर लाभार्थियों को लॉटरी के माध्यम से आवंटन भी कर दिया है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रयागराज हवाई मार्ग से पहुंचेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे और 11:30 बजे लूकरगंज में आयोजित कार्यक्रम में चयनित 76 लाभार्थियों को फ्लैट्स की चाबी सौंपेंगे। PDA की तरफ से 1731 वर्ग मीटर में तैयार किए गए 76 फ्लैटों के लिए कुल 6071 लोगों ने आवेदन किया था। इस योजना के अंतर्गत फ्लैट के लिए आवंटी को कुल 3.5 लाख रुपए PDA को भुगतान करने होंगे। इसमें 45,000 रुपए आवंटन के समय और शेष बचे 3 लाख रुपए किस्त में देने होंगे। मैं क्लिनिक में काम करती हूँ, हमारे पापा न्यूज़पेपर बांटते हैं और एक सपना टाइप का है जो कि हम लोगों का साकार हो गया है। अभी तक हम जहाँ रहते थे वहाँ तो प्लास्टर तक नहीं था और हमारे लिए सपना है कि हम शहर में हमारा खुद का घर हो गया। योगी जी की बहुत आशीर्वाद कृपा है कि उन्होंने सारे गरीबों को ऐसा उपहार दिया। ये माफिया की जमीन पे हम जैसे गरीबों के लिए 1 साल के अंदर घर बनाना मामूली बात नहीं है। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रहते थे आप अभी इसके पहले? राजकोट में। क्या करते हैं पापा आपके? न्यूज़पेपर बांटते हैं। अच्छा, मम्मी? मम्मी हाउस। आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? हम पढ़ाई के साथ साथ क्लिनिक में काम करते हैं जो कि अपने पढ़ाई का खर्च हो जाता है। क्या सोचे थे कभी सपनों का घर मिलेगा? जी कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि मुझे मकान मिल जाएगा, मगर योगी जी के बहुत बहुत बधाई हो कि आज मुझे छत दे दिए। मुझे कोई कार्यकाल में कोई नेता कोई वो नहीं दिया, मगर योगी जी ने बाबा साहेब जो हैं कागज बहुत गरीबों की रक्षा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है।